इस दुनिया की भागदौड़ में आज जब आपको धरता हुआ देखता हूँ तो सोचता हूँ पूछ लूँ आपसे पापा ठीक तो है ना। सबके ना अलग अलग सुपर हीरोज हुआ करते हैं ठीक है, पर अपन ठहरे टीवी नेशनल ठीक है, अपने पास कोई सुपर हीरो नहीं, तो इससे हुआ क्या कि उस डिब्बे के सामने बैठ के आवाज मुझे मौका मिला कि लाइफ के रियल हीरो को जानने का। तो अभी हीरो कौन होता है एक्चुअली? हीरो वो होता है जो आपको आपकी सारे काम आसानी से करवा दे, आपकी जो आप चाहते हैं दुनिया से खुशी वो आपको खुशी लाके दे सके। बचपन में बहुत छोटी भाई सी होती है उस समय हम लोग भी बहुत बड़ी होती है ठीक है, पर आज जब आपको पूरी दुनिया से अपनी खुशी के लिए खुद अपनी खुशी के लिए लड़ते देखता हूँ तो सोचता हूँ पूछ लूँ आपसे पापा ठीक है ना। आपका रोज सुबह उठाना और रोज रोज का खेलना खिलाना, गलती पर मुझे समझाना और प्यार से डांटना, सब याद है मुझे, जैसे मानो कोई गाइड हो जो मुझे गाइड करने की कोशिश कर रहा हो और कुछ इस तरह से जैसे वो खुद को मुझमें देता है इस शिद्दत से। लेकिन आज छोटी छोटी बातों पर छोटी छोटी बातों पर आपको जो बातें समझ नहीं आती आपको हम पर चिड़ जाना देखता हूँ और सोचता हूँ पूछ लू आपसे पापा ठीक हूँ ना। वो इंसान जिसकी मिसालें मैं अपने सारे दोस्तों को दिया करता था ठीक है, वो इंसान जो कभी किसी सिचुएशन से पीछे नहीं हटता, आज जब मेरे पीछे वो मेरी मिसाल अपने दोस्तों को दिया करते हैं सुनकर अच्छा लगता है, पर आज आपका ध्यान खुद से हटके मुझ पर आ गया है, आज आपका ध्यान खुद से हटके मुझ पर आ गया है और इस उम्र की ढलान पर जब आप का साथ खुद से छूट रहा है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पापा ठीक तो है ना। इसने मुझे सिखाया कि कभी डरो नहीं, कभी झुको नहीं, रुको नहीं, हिम्मत मत हारना बेटा, मंजिल जरूर मिलेगी, मंजिल जरूर मिलेगी अगर तुम्हारे हौसले बुलंद हैं। और ना जाने क्या क्या, पर जब आज आपको पेंशन की लंबी लाइनों में खड़े होते हैं आपके चेहरे पे वो मायूसी की शिकल देखता हूँ ना, सोचता हूँ पूछूं आपसे ठीक तो है ना पापा। वैसे हमारी बातें बहुत होती रही है और आज तक वो मेरे पापा और मैं उनका बेटा था, पर अब जिंदगी के इस मोड़ पे लगता है कुछ चीजें बदलने को भी चाहता है, कुछ चीजें बदलने को चाहता है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हाँ ठीक है वो कुछ बातों पर चिढ़ जाते हैं और बाद में बुरा भी तो सब ज्यादा उन्हीं को लगता है, तो क्या हुआ कि अगर वो चिढ़ जाते हैं ये दास्तान बदलते हैं और आज से आप हम दोस्त बन जाते हैं ठीक है। जिद गुस्सा तो कभी वो खिलखिला के हंसना, ये सारी बच्चे ऐसी आदतें तो ना, मन करता है आपका हाथ पकड़ कर आपको घुमाने मैं ले जाऊं, आपको ऐसे ही घुमाऊं दुनिया की तरफ जैसे आप मुझे दिखाया करते हो, वो सारी सीखे जो आपने मुझे तो सिखाई थी। मेरा पहली बार साइकिल चलाने से लेके कार से पराठे बनने थे, मुझे पता है समय कम है मेरे पास, उतना नहीं जितना आपने मुझे दिया, चाहकर भी अगर मैं चाहूँ ना तो आपकी प्यार सुनने को नहीं मिलेगी, ना ही आपको प्यार भरी थप्पी जिसमें आपका गुरूर चलता। पर आज इस समय इस मोमेंट में आपका हाथ पकड़ के बैठना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ ठीक तो ना पापा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप मुझसे पूछा करते थे जब मैं स्कूल से आता था और शायद किसी बच्चे ने मेरी ट्रॉफी गिरा दी या मुझे विंडो सीट नहीं मिली बस की और आप वो मेरे सब कुछ करने की कोशिश किया करते थे, तो आज ना मैं मुझसे कभी भूल नहीं सकता। बट आज यहाँ पे जितने लोग मैं आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर घर जाना है यार तो अपने सेलफोन सोशल मीडिया से थोड़ा टाइम निकालिए, अपने माँ बाबा के पास जाना क्योंकि पूरी दुनिया आपको छोड़ देगी पर ये दो लोग आपकी जिंदगी से कभी नहीं देंगे, और उनका हाथ पकड़ के उनसे वो सवाल करना जो शायद एक्सपेक्टेड नहीं था कि पापा माँ कैसे हैं।